पहले सबसे पहले तो आपकी फिल्म आईफा में प्रीमियर हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी डेब्यू फिल्म जो है द ट्रेन आईफा में प्रीमियर होने वाली है, क्योंकि इसके पहले आईफा में जो फिल्म्स प्रीमियर हुई है, युवा, परिणीता, आंखें, ये सारी फिल्में जो है वो हिट फिल्म्स हुई है, और ये उम्मीद मेरी द ट्रेन से भी है। इसके साथ साथ मैं समझती हूँ एक न्यू कमर हमेशा एक गुड लक चार्म लेके आता है, और मैं समझती हूँ कि शायद इसी गुड लक का जादू द ट्रेन पर भी चला है। तो क्या मतलब आप ये पूरे यकीन से कह रही हैं कि द ट्रेन हिट हो? पूरे यकीन से, मतलब मैं इसी यकीन पर मैंने द फिल्म की पूरी फिल्म की है, और इसी यकीन से मैं और कॉन्फिडेंस से मैं कह सकती हूँ द ट्रेन एक हिट फिल्म है। द ट्रेन करने के पीछे क्या मतलब आपको किस बात ने अट्रैक्ट किया कि हाँ चलो अपना डेब्यू इस फिल्म से करें? जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी तभी मुझे पता चल गया था कि ये बहुत अच्छी फिल्म होने वाली है, और इसीलिए मैंने इस फिल्म का किरदार किया। इनफैक्ट मुझे याद है मुझे दोनों रोल्स ऑफर किए गए थे, लेकिन चूंकि मैं एक शुरुआत में ही नेगेटिव कैरेक्टर करने का सोच नहीं रही थी, मैंने दूसरे रोल को चुना। इमरान पहले प्रोमोज जो आ रहे हैं उस हिसाब से देखने पे आपको कैसा लग रहा है, किस तरह से आपको रिस्पॉन्सेज मिले हैं यहाँ? बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले हैं प्रोमोज देखने के बाद लोगों के, क्योंकि लोग भी काफ़ी एक्साइटेड है फिल्म को लेके, और ऑब्वियसली गाने तो हिट हुए ही है फिल्म के। मेरे तीनों गाने जो है फिल्म में, बीते लम्हे, मौसम और वो अजनबी, मुझे बहुत पसंद है, और शायद मैं कहूँगी कि वो अजनबी मेरा फेवरेट है, और शायद इसीलिए प्रोमोज ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जब शुरुआत में इसके प्रोमोज दिखाए जा रहे थे तब गीता बसरा को, गीता को थोड़ी फुटेज ज़्यादा दी जा रही थी, अब ऐसा आ रही है कि खबरें कि सयाली को ज़्यादा फुटेज दी जा रही है, क्या आपको इस कॉन्ट्रोवर्सीज में क्या लगता है, आपको सही में आपको फुटेज ज़्यादा मिल रही है कि? इनफैक्ट ये बात तो सच है कि थोड़ी फुटेज मुझे ज़्यादा मिल रही है, लेकिन ये भी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का इंडिविजुअल डिसीजन है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। तो आपको मतलब लग रहा है कि आपको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है? मुझे ऐसे लग रहा है कि प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। यानी आप कोई कॉन्ट्रोवर्सीज में गिरना नहीं? जी नहीं, मैं इनफैक्ट एज अ मिस इंडिया इज एब्सोल्युटली बिलो माई डिग्निटी टू गो टू थिंग्स विद कॉन्ट्रोवर्सीज। तो आईफा की क्या तैयारी की है आपने? आप लोग जाने वाले हैं आईफा में? जी हाँ, हम जाने वाले हैं आईफा में, और तैयारी तो हमारी यह है कि एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म हम लोगों के लिए लेके जा रहे हैं, और यूके के ऑडियंसिस के लिए, और हम चाहते हैं कि जितना हम कॉन्फिडेंट थे कि इंडियन ऑडियंसेस इसे पसंद करेंगे, यूके की ऑडियंसेस भी इसे इतना ही पसंद करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, इस फिल्म में या जैसे अभी लेटेस्ट हेयर स्टाइल देखें इमरान हाशमी का, तो आपको लगता है वो हेयर स्टाइल उनको सूट कर रहा है? मैं समझती हूँ कि एक आर्टिस्ट का लुक चेंज करने का एक टैलेंट होता है, जो इमरान में बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। थैंक यू।